Hello dear children, welcome to English class. So children, in the previous class we have studied the chapter Funny and Bunny. So it was a very nice lesson. आपको याद है ना? So there was a rabbit named Funny and Bunny. हमारे rabbit का नाम क्या था? Funny Bunny. So he was sitting under a tree and suddenly a nut fall on him. एक fruit उसके ऊपर गिरता है, जिससे उसको लगता है कि मेरे ऊपर आसमान गिरने वाला है. और वो यह बात जाकर जल्दी जल्दी राजा जी को बताना चाहता था. और जब वो जंगल में रास्ते से गुजर रहा था, उसको कई सारे दूसरे एनिमल्स मिले. सो विच एनिमल्स ही फाउंड? कॉकी लॉकी, हैनी पैनी, लकी डकी एंड वॉक्सी फॉक्सी. ये सारे एनिमल्स मिले थे ना उसको. सो ये पांचों मिले जा रहे थे, लास्ट में कौन मिला? वॉक्सी फॉक्सी, एक फॉक्स जो बड़ा ही लालची था. और उस फॉक्स ने क्या किया, इन बेचारे सारे एनिमल्स का उसने गलत फायदा उठाया. उसने क्या कहा, चलो मैं तुमको राजा जी का घर दिखाता हूँ, ऐसा बोलकर उनको लेके गया और उन सभी को खा गया. सो हमारे बेचारे सारे एनिमल्स ने उस पर विश्वास की वॉक्सी फॉक्सी पर, बट वॉक्सी फॉक्सी चीटेड ऑन हिम. ओके, उसने सभी एनिमल्स को चीट कर दिया और सबको मार के खा गया. सो इट वॉज अ वेरी नाइस लेसन. और हमने इसे क्या सीखा था इस लेसन से, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पे, किसी स्ट्रेंजर पे, नए व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए. आपसे कोई भी आके कुछ भी कहे, आपको बिल्कुल उन पर विश्वास नहीं करना है. आपके पेरेंट्स, आपके घर के व्यक्ति, घर में कोई आएंगे तभी आपको उनके साथ कहीं पे भी जाना है, उन्हीं की बात माननी है. किसी स्ट्रेंजर से आपको बात ही नहीं करना है और उनकी बात सुननी भी नहीं है. ओके, सो आपने अच्छे से लेसन समझ ही लिया था. नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ द सेम लेसन. सो व्हाट इज द फर्स्ट एक्सरसाइज हियर? न्यू वर्ड्स. हमारे लेसन फनी बनी के हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं. And the first exercise is new words. So first word funny, 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 funny. Nut, 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 fell, fell, fell. Ouch, 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 ouch. Sky, sky, sky. S K Y sky. Going, G O I N G going, G O I N G going. Fall, F A double L fall, F A double L fall. T E double L tell, T E double L tell. King, K I N G king, K I N G king. Way, W A Y. Way, W A Y, way. Met, M E T, met, M E T, met. Now these are called contraction words. I apostrophe M. हम इसको कैसे read करेंगे? इसको हम I am नहीं बोलेंगे. इसको short form में लिखा गया है. I am, okay. I apostrophe M, I am. I will, I apostrophe double L, I will. O double F off, O double F off. W E N T went, W E N T went. E N D end, E N D end. Next, F I N D fine, F I N D fine. Lucky, L U C K Y lucky, L U C K Y lucky. V R, W E apostrophe R E V R. Lines, L I N E S lines, L I N E S lines. Follow, F O double L O W follow, F O double L O W follow. So these are some of the new words, please learn by heart them. Okay, now next exercise, meanings. Shabdarth. Little, small. लिटिल मतलब थोड़ा या छोटा, दो अर्थ आते हैं. सो स्मॉल, लिटिल स्मॉल. क्वाइट, क्यू यू आई टी ई क्वाइट. साइलेंट, एकदम शांत. साइलेंट, एस आई एल ई एन टी साइलेंट. मिसचीफ, एम आई एस सी एच आई ई एफ मिसचीफ. मिसबिहेव, मिसबिहेव. एग्री, कॉन्सेंट. एग्री मतलब किसी चीज को मानना, किसी बात को मानने को हम एग्री कहते हैं. कॉन्सेंट, सी ओ एन एस ई एन टी कॉन्सेंट. क्रैक,
C-R-A-C-K-E-D, cracked. C-R-A-C-K-E-D, cracked. C-R-A-C-K-E-D, cracked. Cracked मतलब broken. B-R-O-K-E-N, broken. Okay. So, broken मतलब टूट जाना, crack पड़ना. Now, third exercise, opposites. Little, more. Little मतलब थोड़ा, more मतलब ज्यादा. Little, more. Quite, loud. Q-U-I-T-E, quite मतलब एकदम silent. Loud मतलब बहुत तेज, बहुत जोर से. Quite, loud. Everybody. Number three is everybody. E-V-E-R-Y-B-O-D-Y. Everybody. Everybody मतलब हर कोई, सभी लोग. Nobody. So opposite है nobody मतलब कोई भी नहीं. Agree, disagree. Agree मतलब मानना, disagree मतलब इनकार करना, मना करना. This, that. T-H-I-S, this and T-H-A-T, that. This मतलब यहाँ, that मतलब वहां, कहीं दूर. So, these are the opposites. Now, next exercise, unscramble words. आपको यहाँ पे क्या करना है? Unscramble, मतलब यहाँ पे आपको कुछ letters दिए हैं जो कि सही क्रम में नहीं है. ये words सब गलत है. आपको इनको सही करके इनको सही word बनाना है. Like, S-E-O-U-M. S-E-O-U-M कोई भी word नहीं होता है. आपको अब ये जो letters दिए गए हैं इनको सही क्रम में लगाना है. M O U S E mouse. Okay, so right word क्या है? M O U S E mouse मतलब चूहा, mouse. Now E D O N. So this is also wrong. So D O N E done. D O N E done मतलब हो गया. कोई भी काम हो जाने को done कहते हैं. Now E-S-H-O-U. So, E-S-H-O-U तो कोई वर्ड नहीं होता है. H-O-U-S-E, house. So, H-O-U-S-E, house. Okay. Now, A-E-C-F. So, A-E-C-F कोई वर्ड नहीं है. F-A-C-E, face. मतलब चेहरा. K-B-R-E-A. So, this is also wrong. B R E A K break. B R E A K break is the right word. So these are the unscramble. अब हमने इसको scramble right order में रख के right word बनाया है. Okay, now last exercise here. Make sentences. नीचे दिए गए word से आपको एक वाक्य बनाना है. Little, L I double T L E, little. The teacher asked the kids to write little fast. So, sentence में क्या कहा गया है? Teacher ने बच्चों से थोड़ा जल्दी लिखने के लिए कहा. Little fast, मतलब थोड़ा जल्दी. Okay. Number two, agree. A-G-R-E-E, agree. We agreed to the teacher's instruction. So, यहाँ पे E-D, agreed. हमने teacher की बात मान ली थी. ऐसा यहाँ कहा गया. Instruction मतलब जब teacher कोई काम देती है और इसको आपको मानना होता है. तो टीचर के दिए गए इंस्ट्रक्शन को हमने माना. ओके, वी एग्री टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन. नंबर थ्री, ब्रेक. बी आर ई ए के, ब्रेक. द टीचर आस्क्ड अस टू टेक अ ब्रेक. सो यहाँ पे ब्रेक का मतलब इधर क्या कहा गया है? थोड़े समय के लिए आराम करना. कंटिन्यू बहुत सारा काम करने के लिए हम जो थोड़े समय के लिए आराम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक. सो यहाँ पे टीचर ने बच्चों से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहा. द टीचर आस्क्ड अस, अस मतलब बच्चों को. ओके, पूरी क्लास को. द टीचर आस्क्ड अस टू टेक अ ब्रेक. नाउ नंबर फोर, क्रैक्ड. सी आर ए सी के ई डी, क्रैक्ड. टॉम क्रैक्ड अप लाफिंग ऑन सैम्स जोक. टॉम क्रैक्ड अप लाफिंग, इसका मतलब क्या है? टॉम ने सैम के जोक पर हंसना शुरू किया, अचानक हंस पड़ा. ओके, अचानक से जोर जोर से हंसने को क्या कहते हैं? क्रैकड अप. समझ आ रही है आपको? सो टॉम ने सैम के जोक पर अचानक से जोर से हंसा, ऐसा इसका मतलब है. सो चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड फाइव एक्सरसाइजेस टुडे. न्यू वर्ड्स, मीनिंग्स, ऑपोजिट्स, अनस्क्रैम्बल वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस. बहुत छोटे छोटे एक्सरसाइजेस, इसलिए हमने फाइव एक्सरसाइज किए हैं. प्लीज राइट देम इन योर क्लास वर्क इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड
गो थ्रू ऑल द बिट्स, अच्छे से सारे एक्सरसाइज को रीडिंग करिए और लर्न भी करिए साथ साथ में. सो प्लीज कंप्लीट इन अ गुड हैंड राइटिंग. बाय बाय.